हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी जिंदगी के खराब दौर से गुजर रहे हैं। पहले आईपीएल 2024 में हार्दिक मुंबई के लिए बतौर कप्तान फेल हुए और अब वह निजी जिंदगी में फेल होते दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि दोनों के बीच तलाक की नौबत कैसे आ गई। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने सोशल मीडिया पर 14 फरवरी को एक साथ तस्वीर पोस्ट की थी। इसके बाद दोनों की साथ में तस्वीर नहीं दिखाई। साल 2013 से 2019 तक नताशा स्टेनकोविक ने फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वो बिग बॉस 8 का भी हिस्सा रही और नच बलिए 9 में भी दिखाई दी। इसी बीच उनकी हार्दिक पांड्या से मेल मुलाकातें बढ़ने लगी। हार्दिक पांड्या के साथ लिव इन में रहते हुए ही नताशा स्टेनकोविक प्रेग्नेंट हो गई। हार्दिक और नताशा ने 31 मई 2020 को शादी की थी। इसी साल कपल ने अपने पहले बच्चे अगस्त्य का स्वागत किया। इसके बाद साल 2023 में वैलेंटाइन डे के मौके पर हार्दिक और नताशा ने दोबारा शादी की। पांड्या ने बोट पर नताशा को प्रपोज किया। तब से ये दोनों साथ में थे। इसके बाद पिछले साल ही दोनों ने दो बार शादी। पहली शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और दूसरी क्रिश्चियन रीति रिवाज से। लेकिन अभी जो ये बड़ा सवाल उठ रहा है, हैरान कर देने वाला है। दरअसल इन दिनों हार्दिक पांड्या के तलाक की खबरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। तलाक की खबरों के साथ इस बात की भी चर्चा तेज है कि उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा ले जाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? बता दें कि अब तक हार्दिक और नताशा के तलाक को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इसके अलावा प्रॉपर्टी में हिस्से वाली बात का भी आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि दोनों के तलाक होने की खबरों की असल वजह अब तक सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि लंबे वक्त से दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नताशा से अपनी इंस्टा आईडी का सर नेम भी चेंज कर दिया है और हार्दिक के साथ जो भी फोटो थी वो भी डिलीट कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।